मेरे साथ एक 13th of June को एक हादसा हो गया था एंड नाइट वाइल ड्राइविंग बैक टू होम आई मेट विद एन एक्सीडेंट. सो अगर आप इनके एक्सरेज को देखेंगे तो थाई बोन कई जगह से टूटी हुई थी. तो सबसे पहले इमरजेंसी में रात में मैंने इनको पर्सनली अटेंड किया विद माय एसोसिएट और इनको स्प्लिंट करके हमने इनको पेन फ्री बनाया. सो ये सारी चीज़ें होने के बाद इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हुआ एंड हमने इनको 12 घंटे के अंतर पे ही सारी जो इसेंशियल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करके सारे ब्लड टेस्ट हमने इनको संडे के दिन सर्जरी के लिए प्लान किया. पैंडेमिक के पीरियड में डोंट नो वे टू गो बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि ये सिचुएशन से कैसे भी उभरना था क्योंकि आई वाज इन पेन. तो आई थॉट ऑफ बैंक्स. सो संडे को इनकी सर्जरी करी गई. इस सर्जरी को बोलते हैं क्लोज इंटरलॉक नेलिंग जिसमें हम फ्रैक्चर को खोले बगैर मिनिमली इन्वेसिव मेथड से एक्सरे मशीन के अंदर देखते हुए फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के साथ रॉड को अंदर डालते हैं जिसमें कोई ज़्यादा कट नहीं आता. फ्रैक्चर को हम खोलते नहीं, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता और अगर हम अपने प्लान टारगेट को अचीव कर लें तो पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे चलते हुए डिस्चार्ज हो जाता है जैसा कि इस केस में हुआ. ड्यूरिंग माय सर्जरी दे हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द मेजर्स. दे आर फुली इक्विप्ड विद पीपी किट्स एंड एवरीथिंग. दे हैव टेकन मतलब आई थिंक दे वर ओवर प्रिकॉशन जो उन्होंने मेजर्स लेते हो दैट्स मोर देन जो नीडेड था. सैटरडे रात में उनको फ्रैक्चर हुआ. संडे दे हैव बीन ऑपरेटेड एंड मंडे मॉर्निंग ही वाज रेडी टू गो टू होम दैट टू वॉकिंग ऑन हिज ओन. डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं. उन्होंने जिस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया मुझे जल्दी से जल्दी रिकवरी कराने में मेरे को हेल्प किया. एक पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन के हिसाब से आई थिंक मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड ये मैं ज़िंदगी भर उनके लाइफ टाइम के लिए उनके लिए अप्रिशिएट करूँगा ये चीज़. और इससे बेटर फैसिलिटीज़ मैं नहीं समझता कि हो सकती हैं किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के लिए फॉर फास्टर रिकवरी एंड फॉर एवरीथिंग. इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस.